खबर चूरू के सादुलपुर से है, जहां कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए डोकवा गांव के युवक ने ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर मशीन का निर्माण किया है। मशीन को बिना छुए व्यक्ति अपने हाथों को सैनिटाइज कर सकेगा। इससे कोरोना के संक्रमण फैलने का डर भी नहीं रहता। ये मशीन शादी समारोह और बड़े आयोजन में कारगर साबित होगी। रोहित ने बताया कि मशीन को उसने 5 दिन में तैयार किया है और इस मशीन को तैयार करने में करीब 14,000 रुपये खर्च हुए हैं। ये सर मैंने 5 दिन इसमें बनाने में लगे हैं। मेरे को सैनिटाइजर मशीन है और इसमें खासियत ये है कि हमें इसमें जो यूज़ करते हैं तो उस समय हमें टच नहीं करना पड़ता है, और जो इसमें 2 नल लगे हैं और 2 सेंसर लगे हुए हैं तो उसके अकॉर्डिंग जैसे अपन हाथ रखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग कुछ देर बाद में इसमें पानी आना शुरू हो जाता है। एक में सैनिटाइजर युक्त आता है जल और दूसरे में साधारण जल आता है। तो इसकी लागत लगभग मेरे हिसाब से 14 या 15 हज़ार के समथिंग मेरे को इसमें टोटल खर्चा आया है। और इसमें साथ में सौर पैनल है, वो भी मैंने लगाया। तो जिन क्षेत्रों में जैसे लाइट की सुविधा नहीं है तो वहाँ भी ये जो मशीन है एक्यूरेटली सही तरीके से काम करती रहेगी, क्योंकि इसमें स्टोरेज के लिए मैंने बैटरी रखी है, तो सोलर से जो बैटरी है वो चार्ज हो जाएगी और मशीन उसके अकॉर्डिंग काम करती रहेगी।